हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लो एल्केन्स के बारे में। भाई जिन्होंने लगातार प्लेलिस्ट को फॉलो किया है उन्हें पता चल गया होगा कि एल्केन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं भैया एल्केन? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते थे। सर जी हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो भैया जिसमें कार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें कार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सीधी सी बात है। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि भाई सारी बैलेंसी कंप्लीट होती थी इनकी। क्या मतलब कि सारे बॉन्ड कैसे होते थे भैया? सिंगल बॉन्ड हुआ करते थे, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता था। सारे बॉन्ड क्या होते थे? सिंगल बॉन्ड हुआ करते थे। कार्बन कार्बन के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड होता था? सिंगल बॉन्ड होता था। यानी कार्बन की जो चार संयोजकताएं हैं, जो चार बैलेंसीज हैं, वो कंप्लीटली सैचुरेटेड यानी पूरी तरीके से संतृप्त होती थी। कार्बन का पेट भरा हुआ होता था, तब उन्हें हम लोग कहते थे एल्केन। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लो एल्केन के बारे में। तो भैया साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइकिल से। सर जी साइकिल क्या? साइकिल चलाया भाई? नहीं, साइकिल का मतलब होता है चक्र। अब ये चक्र क्या होता है? मान लिया यहां से शुरू करा, डिस्को करते कराते यहीं वापस आ गए, ये भी साइकिल है। यहां से शुरू करा यहीं आ गए, ये भी साइकिल है। यहां से शुरू करा यहीं आ गए, ये भी साइकिल है। साइकिल का मतलब होता है चक्र की फॉर्म में, यानी जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं तक पहुंच जाएंगे तो उसे साइक्लिक कह देंगे। और एल्केन का मतलब वही सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, सैचुरेटेड होगा, साइक्लो एल्केन कहला देंगे भाई। ठीक है, क्या लिख दिया? ये सैचुरेटेड। ये देखो सबसे पहला एल्केन का मतलब ही है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होने चाहिए भैया। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त होनी चाहिए वो पूरी तरीके से। ये सैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। कार्बो का मतलब कार्बन होगा और उसका साइकिल बनेगा। मान लिया तीन कार्बन जुड़ के एक साइकिल बनाएंगे, हाइड्रोजन इसकी संयोजकता पूरी करेगा, तो ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एल्केन्स के समान ही होते हैं, जैसे एल्केन्स हुआ करते थे वैसे ही ये भी हैं। बस ये कैसे होंगे? साइकिल की फॉर्म में होंगे, चक्र की फॉर्म में होंगे। जैसे हमने यहां पर कुछ एग्जांपल भी आपको दिखाए हैं। सबसे पहला एग्जांपल क्या है भाई? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। ये देखो सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल हैं और साइकिल की फॉर्म में ये जुड़े हुए हैं। तीन कार्बन है, आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अंडेक, डूडेक, ऐसे चलता है। एक कार्बन तो मेथेन, दो कार्बन तो एथेन, तीन कार्बन तो प्रोपेन। साइकिल की फॉर्म में, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। इसका IUPAC नाम साइक्लोप्रोपेन होगा। ट्राइवियल नेम क्या होगा? ट्राई मेथिलीन भाई, या ट्राई मेथाइलीन, आप जो भी पढ़ना चाहो, ठीक है, तो ट्राई मेथिलीन भी कह सकते हैं इसे, या फिर आपका मन हो ट्राइवियल नेम, हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपके पास नॉलेज रहे। पेपर के अंदर अगर आप लिखते हो मन हो ट्राइवियल नेम लिखो, मन हो ना लिखो, IUPAC का मतलब ही है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे पूरा देश, पूरा विश्व मान रहा है, वही तो IUPAC है। तो आप IUPAC नाम ही चलाओ भाई, ठीक है। तो तीन का मतलब क्या है? प्रोपेन, और साइकिल की फॉर्म में तो साइक्लोप्रोपेन। चार में क्या हो जाएगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, चार मतलब ब्यूट, और भैया साइकिल की फॉर्म में तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। जब भी कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, इसका मतलब होता है कि जहां जहां पे जुड़ा हुआ है वहां वहां पे कार्बन है और बाकी बीच में भैया बॉन्ड है, हाइड्रोजन से उसकी संयोजकता पूरी है, इसका यही मतलब होता है। अगर चार की जगह पांच हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा। छह हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन नाम हो जाएगा। इस तरीके से चीजें मेरे भाई चला करेंगी। अगर प्रिपरेशन की बात करें, देखो भाई प्रिपरेशन यहाँ पे कई सारे हैं। आज की वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए तो आज हम लोग क्या बात करेंगे? फ्रियोंट्स मेथड की बात कर लेंगे, लुजिकास मेथड की बात कर लेंगे, डीकमान मेथड की बात कर लेंगे। परकिन मेथड थोड़ा बड़ा है तो उसे कल वाले क्लास में आपको दे देंगे। डेली क्लासेस मिलेंगे। अब कल हमने एक लाइव आके छोटी सी जानकारी भी लोगों को दे दी थी भाई, ठीक है। तो पहली जो इसकी प्रिपरेशन है साइक्लो एल्केन की, वो क्या है? फ्रियोंट्स मेथड। भैया फ्रियोंट्स मेथड क्या होता है? बहुत आसान है, आप आराम से सीख सकते हो। देखो भाई, कह रहा अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ये अल्फा ओमेगा क्या है। तो देखो मेरे भाई, यहां पे तीन कार्बन आपको दिख रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अगर आप इसे नाम दोगे अल्फा, पहले कार्बन को क्या नाम दे दिया? अल्फा, तो दूसरे को क्या दे सकते हैं? बीटा। तीसरे को क्या दे देंगे? गामा। चौथे को क्या दे देंगे? डेल्टा। पांचवे को क्या दे देंगे? ओमेगा। इस तरीके से हम लोग नाम देते हैं, अल्फा, बीटा, ओमेगा। तो हमने मान लिया कि जो पहला वाला कार्बन है वो क्या है? अल्फा है, और जो तीसरा वाला कार्बन है वो क्या है? ओमेगा है। अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड क्यों कह रहे हैं भैया? हैलाइड का मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
तो यहां पर भी एक हैलोजन ब्रोमीन जुड़ा है, यहां पर भी एक हैलोजन ब्रोमीन जुड़ा है, दो का मतलब डाई है, तो अल्फा कॉमा ओमेगा डाई हैलाइड, ये क्या है डाई हैलाइड, इसमें दो हैलाइड जुड़े हुए यानी दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, को ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे मीडियम में गर्म करने पर साइक्लो एल्केन प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, जिंक के साथ में गर्म करा, जेडन जो है दोनों बीआर को लपेट ले जाएगा, जेडन बीआर टू अलग हो जाएगा, ये देखो जेडन बीआर टू अलग हो गया, और ये तीनों भैया जब यहां से बीआर हटा तो इनके पास एक जगह खाली, यहां से बीआर हटा इनके पास जगह खाली, दोनों के पास जगह खाली है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इस तरीके से बन जाएगा मेथ एथ प्रोप, यानी तीन कार्बन का मतलब साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा भाई। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं होगी, बिल्कुल आसान है भाई। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा है रुजिकास मेथड। अब ये रुजिकास मेथड क्या होता है, आइए सर जी समझाते हैं आपको रुजिकास मेथड क्या होता है। करना क्या है, सबसे पहले एडिपिक एसिड लेंगे, ठीक, एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे, कैल्शियम सॉल्ट का मतलब क्या है, उसमें से हाइड्रोजन को हटा देंगे, वहां पे कैल्शियम जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लिया, उसकी ड्राई हीटिंग कराई, साइक्लोपेंटेनोन बनेगा, साइक्लोपेंटेनोन का रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे, साइक्लोपेंटेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा लो भैया दिखाते हैं, सब बच्चे सबसे पहले यहां देखें, ये क्या है भैया, अगर यहां पर लिखा होता ध्यान से देखना CH2CH2COOH, तो ये होता एडिपिक एसिड, दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्योंकि कैल्शियम को जुड़ने के लिए दो की जगह चाहिए, दो हाइड्रोजन यहां से हटाए और उन दोनों हाइड्रोजन की जगह किसे जोड़ दिया, कैल्शियम को, तो अभी तक ये एडिपिक एसिड होता, लेकिन अब ये एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हो गया, जिसे कहेंगे कैल्शियम एडिपेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम एडिपेट, इसे हम लोगों ने कर दिया गर्म। जब मेरे भाई गर्म करा तो देखो CH2 ऐसे ही आ गया, CH2 ऐसे ही आ गया, CH2 ऐसे, बिल्कुल ऐसे चल रहा भाई। ठीक है, बस यहां से CA और ये CO3 हो जाएगा अलग, CA COA है, एक OA है, CA CO3 अलग हो गया, ये वाला जो CO बचा है वो आपको यहां पे जुड़ा हुआ दिख रहा है भाई। ठीक है, तो CH2 CH2 CO CH2 CH2 CO प्लस CA CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया भाई। ठीक है, इस तरीके की चीजें चलेंगी। ये जो बना है इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेनोन नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ का मतलब होता है कीटोन ग्रुप, जब यहां पे कीटोन ग्रुप आया है इसका मतलब ये क्या है, साइक्लोपेंटेनोन है, कीटोन में जोड़ते हैं ओन, तो नाम है साइक्लोपेंटेनोन। पेंटेनोन क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेनोन हो गया। इसका रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराई, रिडक्शन कराया तो क्या होगा, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन इनसे आके जुड़ जाएगा, तो यहां से ऑक्सीजन जाएगा हट और दो हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ जाएंगे। जैसे ही दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे सारे कार्बन और हाइड्रोजन हो गए हैं और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी ये एल्केन हो गया है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 5 कार्बन है तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो ये है मेरे भाई रुजिकास मेथड, जो कि आसान है। एडिपिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लिया, उससे हम लोगों ने साइक्लोपेंटेनोन बना लिया, और कुछ काबिलपंती नहीं कर रहे हैं, CaCO3 सीधे सीधे हटा दिया, फिर यहां पे देखा CO है तो O हटा के H लगा दिया। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो खुद पेन से आवाज आने लगती है कि अब यहां से O हटेगा, यहां पे H आएगा। रिडक्शन का मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन को हटा दो, हाइड्रोजन से क्रिया करा दो। अगला है डीकमांस मेथड भाई। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा मेथड है, क्या होता है डीकमांस मेथड, लो समझाते हैं। सबसे पहले हमने CH2CH2COOC2H5, क्या नाम है इसका, डाई एथिल एडिपेट। क्यों है भैया, क्योंकि अगर यहां पे H चल रहा होता तो ये एडिपिक एसिड होता, दोनों H हटा दिए, दोनों की जगह पे C2H5 लगा दिया, क्योंकि C2H5 का नाम एथिल होता है तो डाई एथिल एडिपेट इसका नाम हो गया। भैया उपस्थिति किसकी ले ली, सोडियम एथॉक्साइड की, यानी C2H5ONA की, C2H5ONA की उपस्थिति है, कुछ नहीं करा, यहां से एक हाइड्रोजन फ्री कर लेंगे यानी इसका आयन बनाएंगे। तो जब यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो भैया इस हाइड्रोजन को हटाने पर इनके पास हाइड्रोजन का हटने पर की कमी हो जाएगी, एक जगह खाली हो जाएगी, तो इन काले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, देखो माइनस, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, देखो CH2 था, यहां पे खाली क्या लिखा है CH, COOC2H5 वैसे ही लिखा हुआ है, CH2CH2CH2CH2, COO में एक O, अगर इसका स्ट्रक्चर खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा COO, ऐसे करके आ जाएगा, तो यहां COO लिख दिया,
OC2H5 ऐसे ही लिखा रहन दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव आयन हमने अलग कर लिया है जो आगे रिएक्शन में भी काम में आएगा, देखना कैसे, ठीक। अब यहाँ माइनस आ गया, हमने आपको पढ़ा रखा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी अवकात का अंतर होता है तो भले ही बॉन्ड बनाओ लेकिन खिच्चू मचता है, तो सी और ओ में है अवकात का अंतर। कार्बन हमेशा साझेदारी की जुगाड़ में रहता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, लेने की जुगाड़ में रहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन आके दे जाए आके। तो इनके ऊपर आंशिक रूप से माइनस आ गया, इनके ऊपर आंशिक रूप से प्लस आ गया। जब इनके ऊपर प्लस आ गया तो ये प्लस है इनके ऊपर माइनस है, तो दोनों बोले आओ मिलके बॉन्ड बना ले रहे। बॉन्ड बनाने के लिए इनसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तो देखो कैसे बॉन्ड टूटेगा भैया। CH2 ऐसे आया, CH सब ऐसे आ गया, इन लोगों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। जब बॉन्ड बना लिया तो कार्बन की औकात ही चार को जोड़ने की है, तो एक दो तीन चार, चारों को जोड़ दिया, इनका वाला एक बॉन्ड तोड़ दिया। जब बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन को दो लोग चाहिए होते हैं, एक बॉन्ड टूट गया तो यानी अब इनके पास एक की कमी है, तो इनके ऊपर एक माइनस आ गया भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अब जब इनके ऊपर माइनस आ गया तब क्या हुआ, देखो CH2 ऐसे ही रहा, CH ऐसे ही रहा, CH2 ऐसे ही रहा, CH2 ऐसे ही रहा, सब कुछ ऐसे रहा। यहां से हम क्या करेंगे, ये देखो यहां ये वाला जो बॉन्ड है इसे पूरा अलग करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखना। ये जो C2H5O है इसे करेंगे अलग, क्यों करेंगे, क्योंकि O कह रहा माइनस लेके नहीं बैठ पाएंगे, हम अपना बॉन्ड पूरा करेंगे, तो O बॉन्ड पूरा कर दिया। जब O बॉन्ड पूरा कर दिया तो C2H5O को यहां से फ्री कर दिया, और ऐसे ही ऊपर से भी C2H5O को ऊपर से भी फ्री कर दिया। जब ऊपर से फ्री कर दिया उपस्थिति ले लेंगे किसकी, पानी की, जल अपघटन करा दिया मान लिया, ठीक है, या फिर हमारे पास H पॉजिटिव पहले का फ्री पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। तो C2H5O C2H5O यानी C2H5OH अलग हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास ये बताओ, CH2 बचेगा भाई, ठीक है। उसके अलावा क्या बचेगा, देखो CH2 बचा, CH बचा, CH2 बचा, CH2 बचा, CO बचा, C2H5OH अलग हो गया क्योंकि H पॉजिटिव था भाई, ठीक है। जल अपघटन यानी H2O से क्रिया कराई, इन्हें मिलेगा OH, इन्हें मिलेगा H, C2H5OH और अलग हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो CH2 आ गया, ये जो OH है पानी वाला, देखो H2O का OH, H मिल गया इन्हें तो ये CH2 हो गया, O मिल गया इन्हें तो ये CO होगा, ठीक भाई, O मिल गया इन्हें तो ये CO होगा भाई, ठीक है। CH2 ऐसे ही आ गया, CH2 ऐसे ही आ गया भाई, ठीक है। एक मिनट, ये पूरा अलग ही हो गया। यहाँ पे देखो भैया फिर से आपको बताते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड पूरा किया, C2H5OH को हमने अलग कर दिया, ठीक। बचा क्या है, CH2 CS CH2 CS C डबल बॉन्ड O बचा हुआ है, और संग में क्या बचा हुआ, ये इंतजाम बचा हुआ है। जल अपघटन यानी H2O से क्रिया करा रहे हैं, H2O से क्रिया कराने का मतलब है H इन्हें दे दिया, तो ये C2H5 बन के ये भी अलग हो गए, इन्हें हमने OH दे दिया भैया, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या भैया, जरा देखो CH2 है, CH2 है, CH2 है, तो देखो CH2 ये बन जाएगा, CH2 CH2 नीचे चलना है, चलते रहेंगे, और CO जो ये वाला है ये यहाँ पर CO आ गया, बाकी ये जितना इंतजाम था भैया, ठीक है। ये वाला CO, ये वाला H CO2 बन के अलग हो जाएगा, देखो ये वाला H इन्हें मिल गया और यहाँ पे ये CO2 बन के अलग हो जाएंगे, यानी कुल मिला के ये पूरा सिस्टम हो जाएगा अलग। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से बता देते हैं, ये देखो ऐसे करके इन्हें मिला H, इन्हें मिला OH, ये C2H5OH बन के अलग हो गया, H इन्हें दे दिया तो ये क्या होगा CH2 बन गए, ये C को O मिल गया तो ये क्या CO2 बन के अलग हो जाएगा, तो कुल मिला के बच जाएगा CH2 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 और C डबल बॉन्ड O, इतना ही बच जाएगा भाई, ठीक है। फाइनल हम लोग इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन कराने का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, लियो ऑक्सीजन यहाँ से हटा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे भाई क्या होगा, यहाँ से ये हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और ये क्या बन गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट साइक्लोपेंटेन। और हमने आपको बताया कि जहां जहां पे जुड़ा हुआ तो वहां वहां पे कार्बन होता है, तो एक दो तीन चार पांच, और इस तरीके से ये बन गया साइक्लोपेंटेन यानी एल्केन बन गया, साइक्लो एल्केन बन गया भाई, ठीक है। तो इन रिएक्शनों में डरना नहीं होता है, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है कई बार आदमी को समझने में दिक्कत होती है। देखो मेरे भाई फिर से एक बार बताया जा रहा है, क्या किया, सबसे पहले क्या था, एडिपिक एसिड में हमने दो एथिल ग्रुप लगा रखे थे, C2H5 C2H5, यहाँ से H हटाया तो इनके ऊपर माइनस आया, इनने क्या किया इसके संग में बॉन्ड बना लिया। ओ मेरे भाई क्या है, निगेटिव है, सी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। जब बॉन्ड बनाया तो ओ के ऊपर निगेटिव आ गया, ओ के ओ ने कहा हम निगेटिव नहीं ले पाएंगे, तो भैया जो H पॉजिटिव हमने ऊपर अलग कर रखा था वो C2H5OH के संग में
में अलग हो जाएगा, यहाँ पे अपना बॉन्ड बन जाएगा। जब बॉन्ड बन गया तो H2O यानी हाइड्रोलिसिस कराई, H2O में H इन्हें मिल गया, C2H5OH एक और अलग हो जाएगा, और यहाँ पे OH है तो OH का भैया H इन्हें दे दिया, O इन्हें दे दिया, तो ये CO2 बन के अलग हो गए। यहाँ पे बच्चा CH2, CH2, CO, CH2, CH2 ये आ गया भाई, ठीक है। अब O यहाँ पे दिक्कत कर रहा तो इसका रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन लगा देंगे, और इस तरीके से बन जाएगा साइक्लो एल्केन भाई, ठीक है। ये है परकिन मेथड, जो आपको अगली विधि में मतलब अगले वाले वीडियो में हम आपको देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, लाइन से सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, अब आपको डेली क्लासेस देने वाले हैं, तो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डे वन से देखना स्टार्ट करो, सारा कंटेंट बेहतरीन देंगे इस बात की गारंटी है। अगर आपको लगता नहीं सर जी हमें एक जगह पे चाहिए, तो 400-500 रुपये आपके खर्च होंगे, एप्लीकेशन पे कोर्स है, कोर्स ले लो भैया, ये वीडियोज भी वहाँ पे ऐड होती रहेंगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कंटिन्यू अब आपको वीडियो देने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और टेलीग्राम पर जाके BSc जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे लिंक, सारी PDF सब कुछ टेलीग्राम पे हम आपको देते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।